अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हम और आप भी हैं, लेकिन हम कबूल नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप को शौहर तो कबूल करते हैं, लेकिन मजलूम शौहर कतई तौर पे कबूल नहीं करते। हमारे दरमियान एक ऐसे मजलूम शौहर मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बीवी को ऐसा दबा के रखा है, मेरी इजाज़त के बगैर तो बीवी सांस भी नहीं ले सकती। और इस आउट क्लास परफॉर्मेंस की वजह से हमने कहा क्यों ना उनको अपने इस प्रोग्राम में बुलाएं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मजलूम शौहर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, हजारों हैं चोटे, मैं कितनी दिखाऊं। हाँ, आप तो मुझे वैसे ही परेशान लग रहे हैं। तो आप कुर्बानी का बकरा बनकर हमारे पास। शुक्रिया है आपका घर के बाहर मुझे इज्जत देने का, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम बकरी बन जाएंगे। कब हुआ ये सानिया? मेरा मतलब है कब शादी हुई, कब बीवी को प्यारे हो गए? शादी तो दरअसल मेरी भी वैसे ही हुई थी जैसी इंसानों में होती है, और मैंने भी अंजाम से बेखबर होके हाँ कर दी थी। शादी पसंद की थी? हाँ, ना पसंदीदगी की हद तक। कैसे इब्तिदा हुई मारपीट की? असल में बेगम जो थी ना, वो अकलौती थी, और उनके ना पता है भाई पता नहीं कितने थे, उनकी तो तादाद अभी तक मशकूक है, हर दफा नया आ जाता है। मैं भी भाई हूँ, जब कौन सा वाला भाई है भाई वो? क्यों अलग हो गए? शादी के 6 माह बाद ही सिस्टम को अपडेट करवा लिया था। ये तो ज्यादती है ना फिर। असल में ना शादी में वायरस आ गया था और माँ बाप से हम अलग हो गए। अच्छा अच्छा। और इस तरह से हमारी जो गुफ्तगू थी, वो नशरियात जो थी गुफ्तगू की, वो पूरे महल्ले में डायरेक्ट सुनी जाने लगी। तो माँ बाप नहीं बोलते? असल में जो मेरी बीवी थी ना, वो मेरे घर में अपनी चलाती थी जुबान। ये चलाती थी बहुत। अच्छा अच्छा। और पता है जब मेरी बारी आती तो कहती थी बाद में बात करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए, आप तो मजाजी खुदा है ना, आपकी तो इज्जत तो होनी चाहिए ना। असल में माँ के पांव तले जन्नत और बीवी के पांव तले जूती होती है। आप लोग भी तो बीवी की तारीफ में जमीन आसमान मिला देते हैं, कभी आप मोहब्बत का यकीन दिलाने में गाना गाना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये आपकी भी तो झूठी तारीफें इतनी होती है ना, ये भी तो आप खुद सोचने चाहिए ना आपको। यही तो ट्रेजिडी है, गाना गाओ तो कहती इतनी बुरी आवाज, तोहफा लाओ तो कहती इतना घटिया, इतना घटिया तोहफा, इससे अच्छे तो मेरे भाई लाते हैं दुबई से। अच्छा, हाथापाई हुई कभी बीवी से? हाँ हुई थी, पहले राउंड में मैं हेलमेट खरीद के ले आया। कैसे शक हुआ कि बीवी मारेगी? वो तेवर ही कुछ ऐसे थे, वो कहते हैं ना औरत अपनी बात से और घोड़ी अपनी लात से पहचानी जाती है। मैं तो कहता हूँ जान छुड़ा ले, तलाक दे दे। एक दिन मैंने ना बड़ी हिम्मत करके अभी तलाक कहने वाला था कि तलाक से ना इतनी जोर का मेरे गाल पे पड़ा के आज तक उसको महसूस कर रहा हूँ। अच्छा चले, मूड को चेंज करते हैं। अच्छा ये बताएं कि बीवी और अखबार में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। देखें, बीवी भी सुर्खी लगाती है, अखबार में भी सुर्खियां होती हैं। अखबार भी शुरू में आपको अच्छा लगता है, बीवी भी आपको शुरू में बहुत अच्छी लगती है। बस मसला ये है कि अखबार तो हम पड़ोसी भी मांग सकते हैं। आखिरी सवाल ये बताएं, बीवी को समझाया नहीं कि शोहर के क्या हुकूक होते हैं? हाँ मैंने बताया था, लेकिन मुझे ना हक़ ज़ौजियत का ताना देके चुप करा दिया। अच्छा अच्छा। देखिए आप ऐसा करें, आप तो अमेरिका में बैठे ना, मुझे अकेले को वहाँ असालम दिला दें। सुना वहाँ पे असालम पे लोग चले जाते, फिर वापसी का कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाते, मुझे भी उसमें डाल लें। तो भाई
मुझे पता है मुझे घर जाके क्या जवाब देना है, इसलिए बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इजाजत दीजिए। अभी